वेलकम एंड हेलो फ्रेंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पाई नेटवर्क, पबजी मोबाइल, अलीबाबा, लूडो स्टार या फ्री फायर गेम। तो मेरे पास एक फ्री फायर गेम का अकाउंट है जो कि पबजी के साथ लिंक हुआ है और वो हो गया है डिसेबल, परमानेंट डिसेबल हुआ है। तो इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? आप सब लोगों को पता ही है कि परमानेंट अकाउंट फेसबुक अकाउंट का जब डिसेबल हो जाता है तो साथ में आपका पबजी अकाउंट हो या फ्री फायर का गेम का अकाउंट हो, साथ में वो भी डिसेबल हो जाता है, यानी आप लॉगिन नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंट चेक कराऊंगा जो कि लिंक्ड है फेसबुक अकाउंट के साथ। दोस्तों ये एक गेमिंग है, गेमिंग की एप्लीकेशन है, पबजी वगैरह, फ्री फायर गेम। तो ये मेरे पास जो अकाउंट है दोस्तों ये फ्री फायर गेम की गेमिंग की एप्लीकेशन है, ये फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक्ड है और ये हो गया है डिसेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये परमानेंट डिसेबल हो चुका है। तो परमानेंट डिसेबल फेसबुक अकाउंट को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप अपील कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, जो स्टेप्स मैं समझा रहा हूं दोस्तों उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है और वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने जीमेल को ओपन करना है। किसी भी दोस्तों ईमेल से आप मैसेज कर सकते हैं फेसबुक टीम को, ज़रूरी नहीं है क्या आप उसी ईमेल को यूज़ करेंगे जिस पर आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। तो अगर ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों कि आपका फेसबुक अकाउंट फ़ोन नंबर पे हो तो आप किसी भी ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने फ़ोन नंबर ज़रूर एंटर करना है अगर आपका फेसबुक अकाउंट फ़ोन नंबर पे है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है दोस्तों जो कि हेल्प ईमेल है फेसबुक की, जो हेल्प ईमेल है link@support.facebook.com, यानी हमारा फेसबुक अकाउंट लिंक था तो आप लोगों ने लिंक लिखना है। सही है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने डिसेबल है, जी हाँ बिल्कुल डिसेबल हो गया है और परमानेंट डिसेबल है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है disable@support.facebook.com। दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों सब लोगों को पता ही कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते, तो आप लोगों ने अपील ही सेंड करनी होती है फेसबुक टीम को ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप लोगों की वेरिफिकेशन हो जाए, आप लोगों की आइडेंटिटी कन्फर्म हो जाए। सही है दोस्तों। appeal@support.facebook.com सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है दोस्तों, फ्री फायर गेम, यानी जो कोई सी भी एप्लीकेशन जो आप लोगों ने लिंक की हो फेसबुक अकाउंट के साथ और वो फेसबुक अकाउंट आपका डिसेबल हो गया तो उसी एप्लीकेशन का नेम आप लोगों ने ज़रूर इंटर करना है। तो ये फ्री फायर गेमिंग की एप्लीकेशन थी दोस्तों, तो ये फ्री फायर लिंक्ड फेसबुक डिसेबल रिकवरी अपील। सही है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने अपील स्टार्ट कर देनी है। हेलो फेसबुक टीम, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज लिंक टू माय फ्री फायर गेमिंग एप्लीकेशन। और अपील मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फेसबुक टीम, अपना ईमेल, फोन नंबर। सही है दोस्तों, वो भी आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी आप लोगों का नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देना है, यानी सेंड कर देना है फेसबुक टीम को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैसेज सेंड हो गया है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों हाँ, मैसेज सेंड हो गया दोस्तों, आप लोगों के सामने मैसेज सेंड हो गया, फॉरवर्ड हो गया फेसबुक टीम को। दोस्तों इसी तरह आप लोगों ने अपील सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आईडी को ब्राउज़र में लॉगिन करके दोस्तों एक लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। आईडी को लॉगिन करके दोस्तों ये लिंक आप लोगों ने पेस्ट करना है। आई अंडरस्टैंड विश टू कंटिन्यू, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस जिस पर आपका फेसबुक अकाउंट बना है, अगर आपका अकाउंट दोस्तों फ़ोन नंबर पे है तो आप लोगों ने सिंपल सा आप लोगों ने अपील सेंड करनी है जो पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आपका फेसबुक अकाउंट ईमेल पे है तो आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रीज़न बतानी है, ये रीज़न भी सेम टू सेम आप लोगों ने
जो अपील हम लोगों ने अभी सेंड किए दोस्तों, वही अपील आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है बिना टाइम वेस्ट किए। सही है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। जो स्टेप मैं समझा रहा हूँ उसी को आप अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। अगर आप लोगों के पास रियल प्रूफ है तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी दोस्तों, आपकी लिंक फेसबुक अकाउंट की प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। सही है दोस्तों, सेम टू सेम आप लोगों ने नीचे भी अपील कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है दोस्तों, जिसके ऊपर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए दोस्तों, यानी रियल प्रूफ यही होता है दोस्तों आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड नहीं है, स्कूल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोग नीचे टिक कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम दोबारा एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना फुल नेम एंटर कर देता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा इसको कर देना है सेंड। तो जैसे ही मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे होगी थोड़ी सी लोडिंग। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है दोस्तों, आप लोगों ने वेट करना है। आप लोगों के सामने ये मैसेज फॉरवर्ड होगा बिना VPN के दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा मैसेज फॉरवर्ड हो गया फेसबुक टीम के दोस्तों। 24 घंटे आप लोगों ने वेट करना है, फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने अपनी आईडी को लॉगिन कर देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।